तो दोस्तों आईपीएल 2024 में आज हम एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला में पंजाब किंग बनाम राजस्थान रॉयल के बीच ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल के शानदार जीत के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट टेबल में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल चुका है। तो आज के इस वीडियो में आईपीएल 2024 का नया पॉइंट टेबल हम आपको बताने वाले, कौन सी टीम कौन से पोजिशन पर है और कौन सी टीम के पास कितना चांस है प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। इस वीडियो में हम आपको ये सभी जानकारी देने वाले, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बन रहे। तो आप भी आईपीएल के एक बड़े वाले फैन तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। वही आप आईपीएल 2024 से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। तो फ्रेंड वीडियो में बढ़ते आगे, आईपीएल 2024 के नए पॉइंट सेल के मुताबिक पॉइंट सेल पे जो आखिरी पोजीशन पर है वह फाफ डुप्लेसी कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को सिर्फ एक मुकाबले में जीत मिली और 5 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल उनके पास 2 पॉइंट है, उनका नेट रेट हमें -1.124 का देखने को मिल रहा है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 7 मुकाबला जीतना जरूरी। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का अगला मुकाबला में 15 अप्रैल को सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 9वें पोजीशन पर है वह ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से दिल्ली कैपिटल को 2 मुकाबले में जीत मिली और 4 मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेब उनके पास 4 पॉइंट है, उनका नेट रेट हमें -0.975 का देखने को मिल रहा है। वह दिल्ली कैपिटल को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 6 मुकाबला जीतना जरूरी। वह दिल्ली कैपिटल का अगला मुकाबला में 17 अप्रैल को गुजरात टाइटन के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 8वें पोजीशन पर है, आज का मुकाबला हारने वाली टीम पंजाब किंग। पंजाब किंग ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से पंजाब किंग को सिर्फ 2 मुकाबले में जीत मिली और 4 मुकाबले में पंजाब किंग को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल उनके पास 4 पॉइंट है, उनका नेट रेट हमें -0.218 का देखने को मिल रहा है। वही पंजाब किंग को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 6 मुकाबला जीतना जरूरी। वही पंजाब किंग का अगला मुकाबला में 18 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 7वें पोजीशन पर है वही हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियन। मुंबई इंडियन ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 5 मुकाबले खेले गए, जिनमें से मुंबई इंडियन को 2 मुकाबले में जीत मिली और 3 मुकाबले में मुंबई इंडियन को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेब उनके पास 4 पॉइंट है, उनका नेट रेट हमें -0.073 का देखने को मिल रहा है। वही मुंबई इंडियन को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 9 मुकाबले में से सिर्फ 6 मुकाबला जीतना जरूरी। वही मुंबई इंडियन का अगला मुकाबला में 14 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 6वें पोजीशन पर है वही सुमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन। गुजरात टाइटन ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से गुजरात टाइटन को 3 मुकाबले में जीत मिली और 3 मुकाबले में गुजरात टाइटन को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेब उनके पास 6 पॉइंट है, उनका नेट रेट हमें -0.67 का देखने को मिल रहा है। वही गुजरात टाइटन को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 5 मुकाबला जीतना जरूरी। वही गुजरात टाइटन का अगला मुकाबला में 17 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 5वें पोजीशन पर है वह पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद। सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 5 मुकाबले खेले गए,
जिनमें से सनद हैदराबाद को 3 मुकाबले में जीत मिली और 2 मुकाबले में सनद हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट अब उनके पास 6 पॉइंट है। उनका नेट एरिया में +0.344 का देखने को मिला है। वह सनद हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 9 मुकाबले में से सिर्फ 5 मुकाबला जीतना जरूरी। वही हैदराबाद का अगला मुकाबला में 15 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो चौथे पोजीशन पर है वह केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट ने आईपीएल 2024 की सीजन में टोटल 5 मुकाबले खेले गए, जिनमें से लखनऊ सुपर जायंट को 3 मुकाबले में जीत मिली और 2 मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट अब उनके पास 6 पॉइंट है। उनका नेट एरिया में +0.436 का देखने को मिला है। वही लखनऊ सुपर जायंट को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 9 मुकाबले में से सिर्फ 5 मुकाबला जीतना जरूरी। वही लखनऊ सुपर जायंट का अगला मुकाबला में 14 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो तीसरे पोजीशन पर है वही ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 5 मुकाबले खेले गए, जिनमें से चेन्नई सुपर किंग को 3 मुकाबले में जीत मिली और 2 मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट अब उनके पास 6 पॉइंट है। उनका नेट एरिया में +0.66 का देखने को मिला है। वही चेन्नई सुपर किंग को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 9 मुकाबले में से सिर्फ 5 मुकाबला जीतना जरूरी। वही चेन्नई सुपर किंग का अगला मुकाबला में 14 अप्रैल को मुंबई इंडियन के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो दूसरे पोजीशन पर है वह श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 मुकाबले में जीत मिली और 1 मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट अब उनके पास 6 पॉइंट है। उनका नेट एरिया में +1.528 का देखने को मिला है। वही कोलकाता नाइट राइडर्स को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 10 मुकाबले में से सिर्फ 5 मुकाबला जीतना जरूरी। वही कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला मुकाबला में 14 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो पहले पोजीशन पर है आज का मुकाबला जीतने वाली टीम राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से राजस्थान रॉयल्स को 5 मुकाबले में जीत मिली और 1 मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट अब उनके पास 10 पॉइंट है। उनका नेट एरिया में +0.767 का देखने को मिला है। राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 3 मुकाबला जीतना जरूरी। राजस्थान रॉयल्स का अगला मुकाबला में 16 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। ये थी आईपीएल 2024 का आज का नया पॉइंट टेबल। कोई आपको क्या लगता है आईपीएल 2024 में कल 2 मुकाबले खेले जाएंगे तो पहला मुकाबला और दूसरा मुकाबला कौन कौन सी टीम जीतने वाली है, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोई आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।